हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशदाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिजन सारा के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों, यही दिन है सीखने के, इसलिए वीडियोस भी हम वही बना रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। देखिए, कबूतर परवरी में दो ही फेज़ होते हैं। एक ब्रीडिंग का होता है, ठीक है, जिसमें आप बच्चे वगैरह निकालते हैं, बच्चे वगैरह कैसे निकले, कैसा हुआ, सारा कुछ यही सीखना होता है। दूसरा एक बाजियों का होता है जिसमें कबूतर कैसे उड़ाने हैं। इंशाल्लाह व्लॉगर पिजन स्टार आपको बाजियों को उड़ाने का भी बता रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन उसका, हर मैदान में कामयाब, आजमा के देख लें। दूसरा, अब आपको ब्रीडिंग टिप्स बता रहे हैं कि ब्रीडिंग टिप्स आप कैसे करें, कैसे उसको करके आप अपने जोड़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्विक रिवाइंड, आज की हमारी वीडियो है जी क्रॉस ब्रीड किसे कहते हैं। दोस्तों, आपको जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा मैं एक बता दूं कि हमने पीछे बताई थी आपको इन ब्रीड, फिर वीडियो बनाई थी लाइन ब्रीड, और आज है जी क्रॉस ब्रीड क्या होती है। आपको इसमें क्रॉस ब्रीड में मैं आपको चंद एक ऐसी बात बताऊंगा, आपको कोई स्वाद नहीं बताएगा, आपको पता भी नहीं होगी कि सिर्फ आँख क्रॉस नहीं होती, कबूतरों का पर भी क्रॉस होता है क्रॉस ब्रीड में। उस पर आएंगे आज। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं जो बड़ी ज़रूरी थी, मैं पिछली वीडियो बताना भूल गया। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया लाइन ब्रीड में मैंने आपको बताया था कि जी कुछ कबूतरों के पर जिनके ऐसे होते हैं, नौवां पर जिनका लंबा होता है, दसवां और आठवां छोटा होता है, ऐसे पर होते हैं, उनको क्रॉस कराएं ऐसे कबूतरों में जिनका दसवां लंबा हो, नौवां छोटा हो, फिर आठवां छोटा हो, इस लाइन में हो। इनको इन परों में जब आप क्रॉस कराएंगे, ये क्रॉस ब्रीड, ये भी जो होती है ना परों की क्रॉस ब्रीड होती है, बच्चे उड़ने वाले निकलते हैं। अगर दोनों इसी परों के होंगे, दोनों मसल कबूतर भी ऐसे पर का नौवीं कली लंबी होगी, कबूतरी भी लंबी होगी नौवीं कली की, तो दोनों जिसे कहते हैं ना मैचिंग जो करेंगे, लेकिन 80% चांस है प्योर बच्चे निकलेंगे लाइन ब्रीड में। आज क्रॉस ब्रीड का बताएंगे, क्रॉस ब्रीड का कैसा है। मैंने सिर्फ पिछली वीडियो में बताना एक बात भूल गया था, जिसे कहते हैं कि मैंने कहा था कि जी कबूतर जो है ना इस पर का होना चाहिए, ठीक है, और कबूतरी जो है ना इस पर की होनी चाहिए, इसका दसवां लंबा हो तो इस तरह। देखिए दोस्तों, वो मैंने एक बात आपको समझाने के लिए बताई थी, आसानी हो रही है जी, जरा थोड़ा सा वक्फा लेते हैं फिर इंशाल्लाह आते हैं जी। दोस्तों, अजान ख़त्म हो गई है, अजान का एहतराम बहुत ज़रूरी है, एहतराम के अजान के दौरान वीडियो ना बनाएं, खामोशी इख्तियार करें, ये भी एक नेकी है, नेकी करते जाए। यार मैं साथ साथ इसलिए कहता हूँ कि जवान बंदे आजकल कबूतरबाज जा रहे हैं ऊपर, खैर ये तो नसीब की बात है, जितनी उम्र लिखी है वो पानी है। अच्छा, वीडियो की तरफ आते हैं कि मैंने आपको बता रहा था कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कबूतर के पर ऐसे होने चाहिए जिसकी नौवीं कली लंबी हो, और कबूतरी के पर ऐसे होने चाहिए जिसके दसवां पर लंबा हो, फिर ऐसे हो, तो ये क्रॉस परों का होता है। दोस्तों, कई मेरे दोस्त समझ रहे कि शायद अब कबूतर ही ऐसे परों का होना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा था, आपको समझाने के लिए मैंने कहा था यार कबूतरी अगर इस परों की है तो कबूतर को आप इस पर का लगा लें, क्रॉस मैच कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ये वाले पार के साथ पार लगाएंगे वो नहीं उड़ेगा, लेकिन मैंने बताया था कि ज़्यादा चांस है कि प्योर बच्चे निकलाते हैं। मसलन मैंने लाइन ब्रीड का बता रहा था, लाइन ब्रीड होती है कभी टैडी को टैडी में लगाना, अगर टैडी को टैडी मुख्तलिफ चीने में लगा रहे हैं, कोई लगा रहे हैं, दोनों के पगर ऐसे होंगे तो ज़्यादा क्रॉस वो चांस होता है प्योर बनने का, उड़ने वाले भी बन जाते हैं लेकिन ज़्यादा चांस उसमें यही बनता है। आज ही आपको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं कि इन ब्रीड, लाइन ब्रीड और आज क्रॉस ब्रीड का थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि मैंने क्या बताया था। इन ब्रीड क्या होती है, आपके पास जोड़े, लेकिन इन सब के लिए आपके पास होम ब्रीड होना ज़रूरी है। मसलन किसी भी कबूतर के वालदैन, कम से कम वालदैन आपके पास हो, ताकि आप किसी को बताएं मैंने कौन सी नस्ल लगाई तो आपको पता हो यार ये फलां कबूतर का ये बच्चा निकला है, इसलिए उसके वालदैन होना ज़रूरी है, होम ब्रीड का होना ज़रूरी है, उसके बाद फिर इन ब्रीड, लाइन ब्रीड, क्रॉस ब्रीड की बारी आती है। मैंने आपको बताया था इन ब्रीड क्या होती है, आपके पास एक जोड़ा था कोई भी हो, टैडी हो, कमंगर हो, जो भी हो, उसने बच्चे निकाले दो, ठीक है। अगर आप दोनों बच्चों को आपस में लगा देंगे वो बहन भाई हुए, ये इन ब्रीड कहलाती है। अगर एक पट्ठा एक पट्ठी निकली, आपने पट्ठी को बाप के साथ लगा दिया, पट्ठे को माँ के साथ लगा दिया, ये भी इन ब्रीड है कि आपस में ही आपने उसकी नस्ल चला दी। दूसरा, कबूतर ने अंडे दिए, आपने अंडे उठा के चेंज कर दिए, फिर उसने अंडे दिए तो आपने उसी के नीचे पलवा लिया, मतलब चार बच्चे निकलाए, आपने उन बच्चों को आपस में क्रॉस करा दिया, ये भी इन ब्रीड है। लाइन ब्रीड क्या होती है, मैंने आपसे कहा था कि फर्ज कर लें आपके पास सारी तरह की नस्लें हैं, आपके पास पाँच टैडी के मुख्तलिफ टैडी को जोड़े थे, नहीं फर्ज कर लें कि आपके पास पाँच टैडियों के जोड़े थे, आपने पहला नंबर टैडी, सब बच्चे निकलाए, दस बच्चे निकलाए, अब सारे ही टैडी हैं, ठीक है। आपने क्या किया, पहला नंबर जो जोड़ा था उसका एक पट्ठा लिया और चार नंबर टैडी की पट्ठी ली, आपने कहा यार ये टैडियों का जोड़ा अच्छा है, आपने दोनों का जोड़ा लगा दिया, ये होती है लाइन ब्रीड। लाइन ब्रीड मतलब अगर टैडी है तो कबूतरी भी टैडी ही होगी, बेशक वो उसकी बहन भाई नहीं है, अलहदा जोड़े से है,
वो आपकी लाइन, मतलब एक ही लाइन में, टैडी है तो टैडी रहे, एक ही लाइन में रहे। इसी तरह कमग्गर है, कमग्गर को कमग्गर में, गोल्डन को गोल्डन में चलाया, ये लाइन ब्रीड है। मसलन एक नस्ल को दूसरी नस्ल एक ही चलेगी, वो लाइन ब्रीड कहलाएगी। एक टैडी बच्चा दूसरी कबूतरी में टैडी जोड़ा लग गया, ये लाइन ब्रीड है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी आज की वीडियो की तरफ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्रॉस ब्रीड क्या होती है। दोस्तों इसका इजी, सबसे आसान, ये सबको पता है, लेकिन कुछ चीजों का पता नहीं, आज वो बतानी है आपको। क्रॉस ब्रीड होती है टैडियों को गोल्डन में लगाना, क्रॉस को हो जाता है, वो क्रॉस ब्रीड कहलाती है। टैडियों को आपने सियालकोटी कबूतरों में लगा दिया, ये क्रॉस ब्रीड है। मसलन आपने कहा कि यार मैं कबूतरों के लेना चाह रहा हूँ बच्चे, ज़रा और मज़ीद अच्छी क्वालिटी के, या थोड़े से उनकी आंखें चेंज कर दूँ, परों में ज़रा बदलाव ले आऊँ, तो उसके लिए आपको इस तरह क्रॉस ब्रीड लगानी पड़ती है। मेरी फेवरेट क्रॉस ब्रीड कौन सी है, मैं टैडी कबूतर को हमेशा लगाता हूँ फिरोजपुरियों में, ये देखिएगा, लेकिन ये टैडी का क्रॉस नहीं है, अभी बताता हूँ ये किसका क्रॉस है, ये भी क्रॉस ब्रीड है, अभी आपको बताता हूँ उस पर। मैं टैडियों को फिरोजपुरी में क्रॉस कराता हूँ, मैं टैडियों को गोल्डन में कराता हूँ, और मैं टैडियों को बटेरों में कराता हूँ। मेरे पास मेरी फेवरेट ये चार ब्रीड है, मैं इन्हीं में क्रॉस कराता रहता हूँ और बेस्ट रिजल्ट मैं लेता हूँ। मैंने मिस्त्री जो है हाजी मिस्त्री दीन साहब किया, एक मिस्सा जोड़ा दिखाया था। दोस्तों मेरे घर की सबसे नायाब ब्रीड वही है। कई मेरे दोस्त कहते होंगे कि यार ये पता नहीं कौन सी नस्ल है, जो मिस्त्री दीन साहब के कबूतरों को देखा हुआ है ना जिन्होंने, या जानते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद उनके सिर्फ टैडी ही कबूतर है मिस्त्री हाजी दीन साहब के। मिस्त्री दीन साहब के जो कबूतरों में एक उनके टैडी, तो उनके बानी ही टैडी है, यानी कि मिस्त्री दीन साहब टैडी कबूतरों के बनाने वाले हैं। आगे फिर चौधरी सखी साहब ने उसको मजीद डेवलप किया, मैं ये नहीं कह रहा, सबकी अपनी अपनी काविश है यार, पूरी पूरी उम्रें लग गई हैं उनको, ऐसे नहीं कबूतर परवरी में उन्होंने नाम कमाया उनकी पूरी पूरी। मैं सब असातिज़ा की बात करता हूँ, मैं किसी एक को मैं स्पेशली कोड नहीं कर रहा, लेकिन चौधरी सखी साहब का नाम है यार पूरे वर्ल्ड में टैडी के लिहाज से, मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन इन पिजन हिस्ट्री, उनका नाम याद रखा जाएगा माशाल्लाह तआला उनको ज़िंदगी दे, मतलब कि यानी कि टैडियों में उनका नाम को याद रखा जाएगा, बहुत अच्छे टैडी हैं। मेरे पास भी उन्हीं की नस्ल पड़ी हुई है, हमारे उस्ताद ने उन्हीं के बच्चे लेके आगे नस्ल चलाई। इसी तरह मियाँ नज़ीर साहब हैं, मियाँ नज़ीर साहब के कौन से कबूतर मशहूर हैं, कमग्गर, गोल्डन। मियाँ नज़ीर साहब को गोल्डन भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी गोल्डन कबूतरों की लगाई और आखिर ऐसी नस्लें बनाई कि जो शाम शाम बैठती थी। इसी तरह मिस्त्री दीन साहब के कबूतरों में सारे लोग जानते हैं कि जी शायद टैडी उनके हैं, उनके पास फिरोजपुरी कबूतर थे, उनके पास सबसे मशहूर ब्रीड जिसका किसी किसी को पता है, मिस्से कबूतर थे। जो मैंने आपको पिछला जोड़ा दिखाया वो उनका हाजी मिस्त्री दीन साहब का एक मिस्सा जोड़ा था, कबूतरी इतनी नायाब है, मैंने आपको पिछले वक्त कहा था कि कसम खाने वाली बात है, मैंने उसी से नस्ल बनाई है। वो जोड़ा जो भी लेगा वो फॉर सेल है, जो भी लेगा वो ब्रीड कर, ब्रीड उसकी बनाने के लिए, नस्ल बनाने के लिए कबूतर है। यार मेरे पास 6 जोड़े हैं इस तरह के पड़े हुए, ये मेरे घर का था, मैंने कहा चलो इसको एक को करें, आगे उसके 4 बच्चे मैंने काटे हुए हैं, इंशाल्लाह जो भी लेगा। यार देखें कुछ कबूतर होते हैं कि हाँ जिनके ब्लड लाइन का नहीं पता होता, कुछ होते हैं जिनका पता चलता है कि यार कबूतर कौन से हैं। क्रॉस ब्रीड का आपको बताया है, टैडियों को गोल्डन में लगाना आपस में, मसलन लाल आंख को टैडी आंख में क्रॉस कराना, ये क्रॉस ब्रीड है। लेकिन आपको ये बात कोई नहीं बताएगा कि पर भी क्रॉस होता है, ये देखें ना, आपको यही चीज़ होती है बताने वाली। ये कबूतर जो है आपको मैंने बताया था कि वो जो मिस्सा जोड़ा मैंने आपको दिखाया था, उस मिस्से जोड़े का एक नर भी पड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया 6 उसमें है, उसमें एक नर मिस्सा लगाया हुआ है हाजी मिस्त्री दीन साहब का, और उसके साथ कबूतरी लगाई हुई है टैडी चीनी कबूतरी, ये बच्चा उसका निकला है। दोस्तों ये इतनी नायाब ब्रीड है, ये यहाँ से छोड़े ना सीधा आसमान, ऐसे नज़र आएगा बंद आसमान में, और ये लंबा लंबा फिरता है। इसकी ज़रा पहले आप दोम का शौक करें ज़रा, ये देखिएगा कैसी नायाब, एक पत्ते यार देखे मैंने ऐसे हिला के देख ले, मेरे कबूतर जिसकी दुम खुलती है ना मैं रखता ही नहीं हूँ, परों का ज़रा शौक करें इसका, ज़रा देखिएगा ज़रा नोवा पर देखें इसका कहाँ जा रहा है, ये देखिए ये नज़र आया जी आपको नोवा पर इसका, ये ऐसे बंद करके देखें कैसा निकला हुआ, ये देखें आप देखें ज़रा, ये कबूतर की क्वालिटी होनी चाहिए कबूतर के परों में। जोड़ कबूतर का ऐसे बंद है, इस हड्डी के बिल्कुल पास आके बिल्कुल बंद है, कि ऐसे लग रहा है हड्डी के साथ जोड़ जुड़ा हुआ है, इतना इसका क्लोज जोड़ है। अब आप ये देखें, जो बताने की बात है कि जिस वक्त आप क्रॉस ब्रीड करते हैं
क्रॉस ब्रीड के अंदर आपने लाल आंख में सफ़ेद लगाई या सियालकोटी आंख में टैडी लगाया या आपने फिरोजपुरी नीली आंखों में सफ़ेद आंख के टैडी लगाए तो आप उसको क्रॉस ब्रीड कहते हैं। और उसमें भी आपने पर जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने इस तरह का पर जिसका नौवा पर लंबा हो उसके साथ ये नर है उसके साथ आपने कबूतरी लगानी है जिसके पर ऐसे हों ये क्रॉस ब्रीड कहलाती है। दसवां पर लंबा नौवां छोटा फिर छोटा इस तरह आए ये क्रॉस ब्रीड है। ये पर तरह के पर में जब ये पर क्रॉस होता है ये परों का बैलेंस होता है। मतलब आप समझ लें कि उसके अंदर नौवां पर लंबे वाले की भी क्वालिटी आ गई और जिसका दसवां पर लंबा था उसकी क्वालिटी भी आ गई तो बच्चे बैलेंस निकलते हैं। मेरे साथ कहते होते थे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ वो हमेशा मुझे कहते थे वो मुझे शाहजी कहते थे कहते शाहजी इसकी कबूतर की आंख जो है ना सियानत बताती है कबूतर का कुंदे की जान जो है ना वो कबूतर की परवाज बताती है। ज़रा कबूतर का कुंदा देखिएगा कैसा शानदार कुंदा ज़रा दोबारा देखिएगा कलर देखिएगा कलर कितना खूबसूरत है। ये चौधरी मिस्त्री अपना हाजी मिस्त्री दीन साहब का मिस्सा कबूतर है और टैडी चीनी गाड़ी सी कबूतर ही है सफ़ेद आंखों में है उसके साथ क्रॉस बचा ये है इसका ये क्रॉस करवाया है। मसलन मिस्से कबूतर के साथ टैडी चीनियों का क्रॉस है क्योंकि आप देखिए उसके अंदर इनब्रीड नहीं थी लाइन ब्रीड भी नहीं आई टैडी नहीं है टैडी के साथ मिस्से का क्रॉस है। ये कबूतर इस तरह बनाते हैं जिससे उड़ने वाले कबूतर निकलते हैं। ये थी जी आज की वीडियो मैंने कहा आपको ज़रा बताएं ज़रा सारा इसका कि किस तरह कबूतर की हम क्रॉस ब्रीड करा सकते हैं उसके परों की। मैंने आपको बताया क्रॉस ब्रीड में सिर्फ चंद एक चीज़ें देखें यार मैंने आपको बताया कि कई लोग लेके बैठ जाते हैं ओ जी ज़रा आँख दिखाओ पहले यदि अच्छा ऐसे देखते जाएंगे ओह हो अच्छा ज़रा इसकी भी ज़रा आँख देखे ज़रा ये ज़्यादा सफ़ेद आँख है इसकी माँ की इसने आँख ली है अपनी अम्मी की हल्की हल्की लाली डोरा जो है ना इसका ये इसकी माँ की ज़्यादा आँख है ये टैडी की आँख आई है। देखिए दोस्तों क्रॉस ब्रीड के अंदर मैंने आपको बताया है आपने सफ़ेद के अंदर लाल आँख लगा ले सियालकोटी लगा ले नीली आँखें लगा ले ये मेरा फेवरेट क्रॉस है। पर आपको बता दिए कि पर इसके साथ ये वाले पर की क्रॉस कराएं ये भी क्रॉस ब्रीड हो जाएगा। जोड़ कोशिश करें कि बंद ही हो तो ज़्यादा बेहतर है कईयों के खुले भी होते हैं मैं ये नहीं कह रहा खुले नहीं होते कई जोड़ खुले भी होते हैं मसलन शुरू में वो जोड़े पड़े रहे हैं पड़े पड़े जोड़ खुल जाते हैं इसका मतलब ये नहीं वो कबूतर नहीं उड़ाते बच्चा उड़ाते हैं। जोड़ बंद होने चाहिए कुछ चीज़ें इसकी ये देख लीजिएगा दुम स्पेशली दोस्तों बंद होनी चाहिए कबूतर की ये देखें ऐसे दुम नहीं खुलनी चाहिए ऐसे भी हिला लें तो दुम नहीं खुलनी चाहिए ये कबूतर की क्वालिटी है। मैंने आपको बताया था कि जी ये आज की वीडियो थी क्रॉस ब्रीड का आपको बताया इंशाल्लाह अगली हम वीडियो बनाएंगे स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर क्या होता है उस पर सारा बताएंगे कबूतर का स्ट्रक्चर पे फिर आपको ज़रा समझ आएगी अभी तो ब्रीड्स पे हम आए हैं अब स्ट्रक्चर उसकी पॉइंट्स पे वो भी सारा आएंगे। एक छोटी सी बात पीछे से बतानी भूल गया था मुबशर खोकर साहब की देखिए उनको बड़े चैलेंज हो रहे हैं देखें ये आप देख रहे हैं ये अब बादल नहीं आया हुआ स्मोग है सूर्य नज़र ही नहीं आ रहा यकीन करें इतने दिन हो गए और गले ख़राब हो रहे हैं ये लाहौर की आबो हवा ऐसी हुई है आप देखें फॉग सॉरी स्मोक से सारा गैर हुई हुई है इतनी गहरी कि गले में लग रही है। मुबशर खोकर साहब की मैंने कहा यार देखें लाहौर में मेरे फेवरेट मैं आज आपको बता दूं मुल्ला तारों वाले अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं मुल्ला तारों वाले तो आपको सलाम है मैंने आपकी बड़ी बाजियाँ देखी है उनको तो पता भी नहीं होगा शायद इस बात का मैंने उनकी बड़ी बाजी मैं बड़ा इंस्पायर था उनसे लेकिन मैंने शागिर्दी किसी की नहीं की कई मुझे दोस्त कह रहे कि जी आप बाजियाँ नहीं लगाते देखें यार मैं अब आउट हूँ इस गेम से मतलब ये है कि मैं बस अब शौक ही हद तक बाजियाँ लगाता हूँ इसके अलावा नहीं करता बाजियाँ नहीं लगाता। मुल्ला तारों वाले मेरे फेवरेट हैं उनकी गेम आप देखें आपको मज़ा आ जाएगा इतनी शानदार परफॉर्मेंस है लाहौर के अंदर। मुबशर खोकर साहब ने चैलेंज एक्सेप्ट किए बड़े बड़े मैं हैरान हूँ कि बड़ी ऐसी आबो हवा में मैंने आपको पहले क्या बताया था देखिए मुझे किसी से कोई नहीं ना मैं किसी की सपोर्ट कर रहा हूँ मेरी नज़र में बड़े बड़े अच्छे सारे उस्ताद बहुत काबिल एहतराम हैं लेकिन बड़ी बात है उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया इतनी फोग में जिसका दोस्त जो कहते हैं ना जी लाहौर से कबूतरबाजी हो नहीं रही मैं आपको एक बात बता दूँ ये जितने इर्द गिर्द के हैं ना सारे लाहौर से कबूतर लेके गए हुए मैं आज आपको दावे से और चैलेंज से ये बात कह रहा हूँ कहाँ से लेके आने उन्होंने कबूतर और भाई लाहौर से गए हुए हैं लाहौर में कहाँ से कबूतर आए सबसे पहले तो ये बात है लाहौर में कहाँ से कबूतर आए वो सवाल ये कर सकते हैं। और भाई मेरे जब पार्टीशन हुई थी ना तो ज़्यादा मेजर सिटी लाहौर के जो थे ना वहाँ से पार्टीशन के दौरान आए कबूतर ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे ना आए यहाँ से कबूतर स्प्रेड होकर मुख्तलिफ शहरों में गए वहाँ पे कहते कबूतर हैं कभी आप जाएँ कराची में
कभी आप जाएंगे इस साइड पे निकल जाए पिंडी वाली साइड पे, ये कबूतर ही नहीं है वहां पे, आपको यहां से लेके गए हुए कबूतर नजर आएंगे। यार मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ। और आज वो कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसे कबूतरबाजी कोई नहीं, जाएं आप पिंडी की आबो हवा देखें, कश्मीर की तरफ चले जाएं, आप ये गुजरांवाला से आगे थोड़ा सा निकल जाएं इंक्लूडिंग सियालकोट। और भाई मैं एक दफा गया वहां पे, सामने पहाड़ नजर आ रहे, ठंडी आबो हवा, कबूतर ने तो बैठने शाम को है। इधर आओ ना जरा लाहौर दे विच, मजा दे फिर आ इधर धुंद देखिए, वो कहेंगे जी जी बड़ी धुंद भाई तो भाई मेरे धुंध नहीं पड़ी, स्मोक है, कबूतर बंदे के गले बंद हो रहे हैं, तो कबूतर का क्या हाल होगा। कबूतर लाहौर की बड़ी अजीम है, बड़े बड़े शानदार इधर कबूतर परवर बैठे हुए हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आबो हवा शौक कर रहे ना, लाहौर में आओ छत बनाओ या छत किसी की लेके आओ, जरा शौक करो, लगे समय ना ना तो फिर पता चलेगा। लेकिन यार मैं ये किसी को मैं फिर आपको बता दूं, कोई कबूतर जो दोस्त है यार, कबूतर परवर की कोई पार्टी नहीं है, उनकी सिर्फ कबूतरबाजी पार्टी है हमारी, बस एक पार्टी है शौक की, बस शौक करें यार, अच्छा शौक करें। अपना बड़ा ख्याल रखें, वीडियो बड़ी लंबी होगी, तो मुबशर कुकर साहब को विश यू गुड लक सारे सीजन के लिए यार, और स्पेशली मेरे फेवरेट मुल्ला तारों वाले नदीम मुल्ला तारों वाले जो है मेरे फेवरेट हैं, उस्ताद को भी सलाम, बड़ी अच्छी कबूतर पर भी करते हैं, मैं बड़ी बाजियाँ देखता हूँ उनकी, बड़ी बड़े अच्छा। अपना बड़ा ख्याल रखें, मैं उस्ताद कुरैशी आपका होस्ट, अगली वीडियो के साथ आएंगे, स्ट्रक्चर, अल्लाह हाफिज़।